Assalamu alaikum viewers, Atif Javed from Career Migrations. I have brought a very productive video today. आज हम कुछ टेक्निकल चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, वो टेक्निकल चीज़ें जिस पे लोग कन्फ्यूज़ हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डेंटिस्ट हैं, आप मैनेजर हैं, आप बेकर हैं, आप हाई प्रोफेशनल जॉब में हैं, आप लो प्रोफेशनल जॉब में हैं, वट एवर द रैंक यू हैव इन योर प्रोफेशन, आपको कैसे पता चलेगा कि आप कैनेडा किस पर्टिकुलर नॉक को लेकर जा सकते हैं. नॉक स्टैंड फॉर नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन. टीयर सिस्टम क्या है, आपका प्रोफेशन का पर्टिकुलर कोड क्या है, और उसके अंदर कौन सी ड्यूटीज़ मेन आपको रिक्वायर्ड होती हैं. एक तो हम ये डिस्कस करेंगे. सेकंड हम डिस्कस करेंगे, बल्कि ये सेकंड वाला पार्ट जो है वो फर्स्ट डिस्कस करेंगे, वो है आपका कट ऑफ स्कोर. आपको ये भी जानना चाहिए कि इस वक्त कितने लोग कनाडा जाना चाहते हैं, कितने लोगों की फ़ाइल कनाडा इमिग्रेशन में बनी हुई है, और पूल में कितने लोग बैठे हुए हैं, लास्ट कट ऑफ स्कोर क्या है. और लेट्स सपोज आप 470 स्कोर लेते हैं एक्सप्रेस एंट्री में, या आप 475 लेते हैं, से 460 लेते हैं, तो आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आप कब तक ड्रॉ में आपका नाम आएगा और आप कनाडा से ITA रिसीव कर सकते हैं. ITA स्टैंड्स फॉर इनविटेशन टू अप्लाई, राइट. तो इस वीडियो के दो पार्ट होने जा रहे हैं, हम टेक्निकल चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं. पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपका नॉक कैसे फाइंड आउट करते हैं, और सेकंड पार्ट में हम चलेंगे फिर आपके टीयर की तरफ, के कौन कौन से प्रोफेशन हैं, आप उन प्रोफेशंस को फॉलो करते हुए, लाइक आपके प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन कौन सा है और वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, उसके मुताबिक मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, राइट. तो यहाँ से हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और आई विल शो यू एवरीथिंग इन डिटेल. जी व्यूअर्स, आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख सकते हैं. सबसे पहले मैं, जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, या जिन्होंने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब किया है और वो करियर माइग्रेशन को नहीं जानते, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ. करियर माइग्रेशन हैज़ बीन ऑन द ग्राउंड फॉर 3 ईयर्स ऑफिशियली, और बिफोर दैट आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड अनऑफिशियली फॉर ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स. आपको लोकेशन हमारी, इस पर एड्रेस लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, 20H2 अब्दुल हक रोड, ब्लॉक H2 Phase 2, जो टाउन में हम हमारा ऑफिस है, नियर एम्पोरियम मॉल. यू कैन ऑलवेज रीच अस थ्रू दिस नंबर. सो लेट्स मूव ऑन. एक्सप्रेस एंट्री को हम डिस्कस कर रहे हैं, फेडरल स्किल वर्कर को डिस्कस कर रहे हैं. फेडरल स्किल वर्कर ही वो प्रोग्राम है जो आउटसाइड कनाडा लोग बैठे हैं उनके लिए है. इसके ऊपर मैं अपनी प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, आप पार्ट 2 देख सकते हैं. पार्ट 1 एक्सप्रेस एंट्री पे और पार्ट 2 फेडरल स्किल वर्कर पे प्रोग्राम पे मैं बना चुका हूँ, जिसमें आपके पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं वो डिस्कस कर चुका हूँ. और ये पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के एंड पर आपको मिल जाएगा, आप उस जाके उसे ख़ुद भी सर्च कर सकते हैं. सो आज हम जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हमने ये देखना है कि एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ क्या होता है, और एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ में आपने कैसे जानेंगे कि आपका स्कोर क्या बन सकता है और कौन सा विनिंग स्कोर है. तो हम अपना लास्ट ड्रॉ देख लेते हैं. ये लास्ट ड्रॉ मार्च 29, 2023 को आया है. इस ड्रॉ में 7000 लोगों को इनवाइट किया गया, यानी कि ये वो लोग हैं, खुशकिस्मत लोग हैं, जिनको इनविटेशन टू अप्लाई आया है कनाडा की तरफ से. इसमें कोई प्रोग्राम स्पेसिफाई नहीं किया गया इन्होंने FSW से, CEC कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास से, इन्होंने PNP परमिशन नॉमिनी प्रोग्राम से, इन्होंने तमाम प्रोग्राम्स को कलेक्टिवली लिया है, और उसमें से इन्होंने जिनका कट ऑफ स्कोर 480-481 पे बन रहा है, उनको इनवाइट किया गया, राइट. ये इसका डेट एंड टाइम ऑफ राउंड है जो हुआ है. टाई ब्रेकिंग रूल है 14 फरवरी का 2023. टाई ब्रेकिंग रूल का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल दो लोगों के 470 या दो लोगों के 481 मार्क्स थे. अब 481 पॉइंट्स पे अगर किसी ने 14 फरवरी से पहले की फाइल बनाई है तो उसको ले लिया जाएगा. यानी कि अगर आपकी पर्सन ए और पर्सन बी दोनों ने 481 पे उनकी टाई आ गई है,
उनके सेम पॉइंट्स आ गए हैं। तो जिसने पहले बनाया होगा, फॉर एग्जांपल पर्सन ए ने फाइल जो बनाई थी वो पर्सन बी से पहले बनाई थी, तो उसको सेलेक्ट किया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा, राइट। और ये इस तरह से होता है, इफ़ मोर देन वन कैंडिडेट हैज़ द लोएस्ट स्कोर द कट ऑफ इज बेस्ड ऑन द डेट एंड टाइम दे सबमिटेड देयर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल्स। सो 7000 लोगों को बुलाया गया है। अब हम नेक्स्ट इस पे देखते हैं कि पूल में कितने लोग बैठे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने कनाडा इमिग्रेशन की जो साइट है, IRCC की साइट, वहीं से ये पूरा पैच लिया है आपको समझाने के लिए। इसका नीचे मैं लिंक भी दिया होगा मैंने, आप खुद भी जाके इसको देख सकते हैं। तो ये CRS स्कोर चल रहा है। CRS स्कोर जो है ये एक्सप्रेस एंट्री में ये स्कोर है, और इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि FSW का ग्रेड 100 का है, जबकि एक्सप्रेस एंट्री का ग्रेड 1200 का है। सो 601 से लेके 1200 में जो इस वक्त फाइल में लोग पड़े हैं वो 261 हैं। सिस्टम कुछ इस तरह से होता है कि जब आप ड्रॉ आता है तो ड्रॉ के साथ साथ बहुत सारे लोग और भी होते हैं जो उसमें फाइल बना रहे होते हैं डेली। लोग पूरी दुनिया से जो जाना चाह रहे हैं, कैनेडा इमिग्रेशन अचीव करना चाह रहे हैं, वो अपनी फाइल्स बनाते रहते हैं, तो मज़ीद फाइल्स आती रहती हैं। आप ये देख सकते हैं 501 600, इसके दरमियान 468 हैं। ये डिसाइसिव है, 451 से 500 लोग में 58 लोग बैठे हैं। लेकिन अगर इसको हम मज़ीद ब्रेक करें इसी को, तो 491 500 पे 374 लोग हैं सिर्फ, और 481 से जो कि इस वक्त का ड्रॉ है, इससे ऊपर ये लोग अभी इस वक्त जो पूल में ये लोग आए हैं, ये 6859 लोग रह गए हैं जो इस पूल में रह गए हैं आगे। और ये उन लोगों की फाइल है जो उसके बाद बनी है या उससे पहले बनी है, ये लोग उससे ऊपर पड़े हैं। नीचे 471, अब ये स्कोर लेट से 481 से 490 पे ये लोग बैठे थे, और इनको 7000 में बुला लिया गया है। तो एटलीस्ट आपका अगर 481 तक स्कोर था तो आप बुला लिए गए, लेकिन अगर आप 480 पे बैठे हैं तो आप उससे नीचे वाले इस नंबर पर, इस फिगर पर आ जाएंगे। अच्छा, जब हम इस फिगर पे आते हैं तो ये डिसाइसिव फिगर है हमारे लिए, क्योंकि 481 से अब 480 पे हमने इसको देखना है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि इसके साथ साथ जब हम नेक्स्ट ड्रॉ आएगा तो उसके साथ साथ बहुत सारी और भी फाइल्स बन चुकी होंगी जो इस ग्रिड पे पड़ी होंगी 481 से 490 के ऊपर। लेकिन इट्स नॉट गोना बी पॉसिबल कि वो 7000 ही लोग फिर से ऐड हो जाएंगे उसके अंदर अगर ड्रॉ इसी ड्यूरेशन के साथ आता रहे, बाई वीकली या वीकली। तो 471 give me a moment. Yes. So 471, 480 पे 21,051 लोग पड़े हैं। अब ड्रॉ जो लास्ट ड्रॉज आ रहे हैं वो तीनों ड्रॉज 7000 के ड्रॉज आए हैं, और नो स्पेसिफिक प्रोग्राम। अभी अगर दोबारा से 7000 आते हैं तो इसका मतलब है कि ये स्कोर रह जाता है 14,000, और अगर तीन ड्रॉ इसी तरह से कनाडा जेनरसली लोगों को बुलाता रहता है तो नेक्स्ट विद इन अ मंथ ये 470 तक आ सकता है। लेकिन एज आई से कि इसमें मज़ीद फाइल्स बनती रहती हैं और मज़ीद लोग ऐड होते रहते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वक्त इस पूल में यहाँ पे बहुत कम लोग रह गए हैं। अब 471 पे कौन से लोग फॉल कर रहे होते हैं, जिसमें पहले बताया था एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और आपकी लैंग्वेज के बेस के ऊपर। तो अगर किसी की भी 18 ईयर एजुकेशन है और किसी के पास 29 ईयर्स की एज है या उससे नीचे, और उसका मास्टर इक्वलेंसी है उसके पास, ऑब्वियसली 18 ईयर एजुकेशन को मास्टर इक्वलेंसी मिल जाती है, नेक्स्ट उसके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और उसका IELTS CLB 9-10 का मिक्सचर है, तो वो यहाँ पे 471 को क्रॉस कर जाता है, बल्कि 75 में चला जाता है। तो वो एक्सपेक्ट कर सकता है अगर उसकी फाइल आज सबमिट हुई है तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में उसको ITA आ सकता है, राइट। इससे नीचे जो लोग बैठे हैं 461, 470, इनको भी बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी बिल C-19 के मुताबिक 461 से नीचे भी अगर मार्क्स हैं, 470 के दरमियान के ग्रिड पे मार्क्स आए हैं, इससे नीचे मार्क्स हैं, तो अभी लोगों को वो जॉब स्पेसिफिकली उठाने वाले हैं। लाइक आपका वो प्रोफेशन टू प्रोफेशन अब वेरी करेगा, उनको जो प्रोफेशन चाहिए उस प्रोफेशन को वो सेलेक्ट करेंगे। ये C-19 बिल क्या है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फिर। तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप आज कल नेक्स्ट मंथ में जब भी आप अपनी फाइल बनाते हैं
तो आप ये देख रहे हैं कि स्कोर कितनी तेज़ी से नीचे आया है FSW में। और अगर आप FSW में बैठे हैं, आप एक्सप्रेस एंट्री में फ़ाइल बनी है और साथ ही साथ आपकी फ़ाइल PNP में भी बनी हुई है, पोजीशन नॉमिनी प्रोग्राम में, तो आपके लिए हाई चांसेस हैं कि आप जा सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आप जॉब इन डिमांड में हैं और आपका जो प्रोफेशन है वो कैनेडा में नीडिड है, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता रहा था कि हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे वो है फेडरल स्किल वर्कर FSW प्रोग्राम जो है। अब इसमें आपने NOC, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ मिनट, यस, बैक, या NOC, आप नेशनल ऑक्यूपेशन इसको कहते हैं, टीयर कैटेगरीज को। आप अगर टीयर कैटेगरी 0, 1, 2, 3 में अगर आपका प्रोफेशन फॉल करता है तो आप एक्सप्रेस एंट्री में फाइल बना सकते हैं। हम इसको डिटेल में आगे देखते हैं। व्हाट इज दिस टीयर? दिस टीयर मीन टीयर, टी स्टैंड्स फॉर ट्रेनिंग, ई फॉर एजुकेशन, ई फॉर एक्सपीरियंस एंड आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। अब जो आप स्क्रीन देख रहे हैं इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपके साथ जो कनाडा गवर्नमेंट की साइट है जहां से हमने इसको लिया है वो भी शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाके भी इसको डिटेल में देख सकते हैं। ट्रेनिंग क्या है? इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द स्किल्स यू नीड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो टीयर 3 में फॉल कर रहे हैं, वो प्लम्बर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, बेकर्स हैं, उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलती है, उसके भी पॉइंट्स होते हैं। एजुकेशन तो आप जानते ही हैं, एजुकेशन आप लाइक फॉर एग्जांपल ही कंप्लीटेड 16 ईयर एजुकेशन, आपकी 12 इयर्स है तो आप डिप्लोमा मिल रहा है, 14 इयर्स हैं या 16 इयर्स हैं, वट एवर द एजुकेशन लेवल यू हैव यू गेट इक्वलेंसी अकॉर्डिंग टू दैट। एक्सपीरियंस में जब आते हैं तो एक्सपीरियंस ऑब्वियसली इसके बगैर तो आप पॉइंट्स ले ही नहीं सकते, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बट वेन इट कम्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आपको मैं अभी इस स्लाइड इन स्लाइड्स के बाद मैं आपको जब लेके जाऊँगा नॉक पे तो आप देखिएगा वहाँ पे आपकी जॉब जो है जॉब की ड्यूटीज़ कौन सी हैं उसको आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। आपकी टीयर कैटेगरी इज़ डिफाइंड बाय द अमाउंट एंड टाइप ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन रिक्वायर्ड टू एंटर एंड परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ एन ऑक्यूपेशन। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये 0 to 3 कैटेगरी फॉल कर रही है एक्सप्रेस एंट्री में, लेकिन ये चीज़ें नहीं हैं अभी। ये 4, ये लाइक 4 to 5 मंथ बैक अगर आप जाएं तो ये टीयर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और इसकी बेनिफिट इसका ये है कि टीयर 3 में वो लोग भी शामिल हो गए हैं, 16 नई प्रोफेशन उन्होंने शामिल की हैं, और जो पहले इस एक्सप्रेस एंट्री की कैटेगरी में नहीं आते थे, जैसे ट्रक ड्राइवर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, लाइक बेकर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, जो कि FST में फॉल कर रहे थे उन्हें निकाल के वो टीयर 3 में अब एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी में भी जा सकते हैं। टीयर 0, 0 और 1 और 2, 3 ये ऑक्यूपेशन हैं। इनमें फॉर एग्जांपल टीयर 0 में अगर आप जाएं तो नेशनल ऑक्यूपेशन नंबर के मुताबिक 0 में मैनेजमेंट ऑक्यूपेशन आ रही हैं। टीयर 1 में ऑक्यूपेशन दैट यूजली रिक्वायर यूनिवर्सिटी डिग्री, ऑब्वियसली आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या आप अगर मैनेजर हैं तो आप आपको डिग्री तो चाहिए, डिग्री आपको 0, 1, 0 पे भी चाहिए और 1 पे भी चाहिए, और ये यूनिवर्सिटी डिग्री रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट अगर आप ये देखें टीयर 2 और टीयर 3 कैटेगरी में ऑक्यूपेशन दैट यूजली रिक्वायर कॉलेज डिप्लोमा, कॉलेज डिप्लोमा लाइक 12 ईयर एजुकेशन है, आपके पास DAE का डिप्लोमा है या आपके पास कोई भी रेलिवेंट डिप्लोमा है तो आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इस पर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल आपने कहीं ट्रेनिंग की है जो कि 2 or more ईयर्स की है और आपके पास सुपरवाइजरी ऑक्यूपेशन भी है तो आप इसमें फॉल करते हैं। टीयर 4, 4, 5 ऑब्वियसली ये इसमें फॉल नहीं करते, हम सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री में जो फॉल करते हैं वो यहाँ पर आएंगे। टीयर 4 और 5 हैं ये FST में फॉल करते हैं, फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम उसमें फॉल करते हैं। तो दैट्स नॉट अवर टॉपिक टुडे, लेट्स मूव ऑन।
मज़ीद इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एलेबोरेशन के लिए ये देख लें आप यहाँ पे जो मैनेजमेंट ऑक्यूपेशन हैं वो पब्लिक रिलेशन मैनेजर्स हैं या फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, पब्लिक रिलेशन मैनेजर्स हैं, ये सब ज़ीरो कैटेगरी में, टीयर ज़ीरो कैटेगरी में आते हैं। टीयर वन में फाइनेंशियल एडवाइज़र्स आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इनको भी डिग्री चाहिए, इनको भी डिग्री, यूनिवर्सिटी डिग्री चाहिए होती है। टीयर टू कैटेगरी में डिप्लोमा चाहिए आपको। टीयर टू कैटेगरी में कौन से आ रहे हैं, मेडिकल लेबॉर्ट्री के लोग आ रहे हैं, टेक इलेक्ट्रिशियंस आ रहे हैं, प्लम्बर्स इवन आ रहे हैं, ये टीयर टू कैटेगरी में आ रहे हैं। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन थी, मैंने इसको जाके साइट पे चेक किया, मैं अभी आपको साइट पे लेके जाऊंगा और प्लम्बर्स लिख के दिखाऊंगा कि वो 2021 का जो नॉक है उस पर किस तरह से वो फॉल कर रहे हैं, राइट। टीयर थ्री कैटेगरी में इनको भी कॉलेज डिप्लोमा रिक्वायर्ड होता है और ये डेंटल असिस्टेंट्स, डेंटल लेबॉर्ट्री असिस्टेंट्स और बेकर्स और ड्राइवर्स हैं। इसमें इनके लिए थोड़ा सा टफ इस वजह से है क्योंकि इनको जब एक्सप्रेस एंट्री में ये जाएंगे तो एक्सप्रेस एंट्री में इनको पहले तो 67 पॉइंट्स वही क्लियर करने हैं और उसके बाद ये एंटर होंगे एक्सप्रेस एंट्री में। हो सकता है इनके मार्क्स एक्सप्रेस एंट्री में इतने हाई ना हों लेकिन एक्सप्रेस एंट्री में इनकी फाइल ज़रूर बनेगी। इनको एडवांटेज ये होगा क्योंकि ये जिस तरह से ये डेंटिस्ट और असिस्टेंट्स और बेकर्स, ड्राइवर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, ये हाई इन डिमांड हैं कनाडा में। अगर इनकी फाइल वहाँ बनी हुई है और इनकी फाइल पीएनपी में बनी हुई है, परमिनेंट नॉमिनी प्रोग्राम में, तो देर आर हाई चांसेस के इनको चूज़ किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि बिल C-19 आ रहा है, इस बिल C-19 के मुताबिक अब उनको जो स्पेसिफिक जॉब स्पेसिफिक लोग चाहिए तो इट इज़ हाईली लाइकली कि ये लोग सेलेक्ट किए जा सकते हैं। तो ऑल दे नीड इज़ टू ब्रश अप देयर लैंग्वेज स्किल्स और अपनी किसी से असेसमेंट करवाएं, दे कैन कम टू अस और यू ऑल आर वेलकम टू करियर माइग्रेशन, जहाँ से आप हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, हमारे पास लिंक्स हैं, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें करियर माइग्रेशन को, इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को टेक्निकल चीज़ें भी पता चल सकें। तो हेयर एंड्स माई PPT पावर पॉइंट। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। मैंने आपको जैसे बताया था कि नेक्स्ट मैं आपको आपका नॉक फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। ऑलराइट, सो वी आर हियर। आप जब इस साइट पे आएंगे, इसका मैंने लिंक आपको दिया होगा, तो ये आप देख रहे हैं नॉक 2021 वर्जन 1। आप इसे डाउन क्लिक करें तो यहाँ पे डिफरेंट वर्जन आ रहे हैं। ये वर्जन अभी 4 मंथ्स बैक चेंज हुआ है और अगर आप 16 का वर्जन देखें तो उसमें जो नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन कोड था वो 4 डिजिट्स पे था, अभी ये 5 डिजिट्स पे आ गया है। तो आपने इसको जब भी फाइंड आउट करना है, आपने इसको 2021 के वर्जन पे फाइंड आउट करना है, राइट। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बेकर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये बेकर का ये नॉक है, बेकर का 63202, ये 5 डिजिट्स बेकर का कोड है। आप बेकर हैं तो आपका ये इन कैटेगरीज में आपको फॉल करना है। बेकर्स प्रिपेयर ब्रेड, रोल्स, मफिन, पाइज, पेस्ट्रीज और वट एवर। आप रोजे हैं तो मुंह में पानी भी आ सकता है, तो आगे चलते हैं। आपकी एग्जांपल, आपके जॉब टाइटल किस तरह का हो सकता है, आपका जॉब टाइटल बेकर का, बेकर अप्रेंटिस का, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही होना चाहिए, एग्जांपल है आपके लिए, राइट। आपकी मेन ड्यूटीज़ ये हो सकती हैं, जैसे आपको वहाँ लिखा हुआ था ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं आपकी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से आपने लेनी है। और जब आप अपने एक्सपीरियंस लेटर शेयर कर रहे होते हैं इन्विटेशन टू अप्लाई आने के बाद, तो ये बहुत डिसाइसिव फैक्टर होता है, लोग इसको अक्सर इग्नोर कर जाते हैं और इस छोटी सी मिस्टेक के ऊपर उनकी फाइल क्लोज हो जाती है, यहाँ उनकी क्रॉस्पॉन्डेंस स्टार्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा और टाइम बहुत ज़्यादा इस पर डिले हो जाता है। आपकी एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर हैं, इनको ज़रूर पढ़िएगा। इसमें रेड सील एंडोर्समेंट बहुत की रोल प्ले करती है। ये रेड सील एग्ज़ाम कैनेडा के अंदर होता है जो कि थोड़ा सा टफ कर देता है बेकर्स के लिए और इस तरह के दूसरे प्रोफेशंस के लिए वहाँ जाना। आप बेकर्स में आप ये देख सकते हैं टीयर थ्री की कैटेगरी में आ रहे हैं। हम कुछ हाई प्रोफेशंस को देखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आते हैं, यहाँ आप लिखते हैं कि मैनेजर, फॉर एग्जांपल आप कहीं मैनेजर हैं, आप मैनेजर लिख के क्लिक करते हैं। और अगर आपको आपका टाइटल याद है तो आप वो भी लिख सकते हैं। आई जस्ट
फॉलो मैनेजर सर्च कर रहा हूं मैं. ओके, सो यू सी कुछ मैनेजर मैनेजरियल प्रोफेशंस जो हैं वो नॉक ज़ीरो में आ रहे हैं, कुछ मैनेजर प्रोफेशंस जो हैं वो वन में आ रहे हैं. लेट्स से हमें फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं आप, फॉर एग्जांपल मैं 1100-2, आप फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं तो आपका ये कोड है. जो भी आपका जॉब टाइटल है उसको यहाँ पे लिखें. अगर आप कोई लिख के पता चल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे आप जेनेरिकली लिखें और देन यू कैन फाइंड योर प्रोफेशन इन द लिस्ट डाउन हियर. मैंने आप जैसे बोला कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ से फाइनेंशियल एडवाइज़र पर क्लिक करते हैं, आपका 1100-2 कोड है, आप यहाँ से अपनी ड्यूटीज़ देख सकते हैं, अपनी कैटेगरीज देख सकते हैं, आप टीयर वन में आ रहे हैं, आप अगर अकाउंट मैनेजर हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, जो भी टाइटल आपका यहाँ पे आ रहा है ये आपका जॉब टाइटल है. लेकिन इस जॉब टाइटल ये फिक्स जॉब टाइटल नहीं है, मैंने पहले बताया था, आप इससे रेलिवेंट कुछ भी हो सकता है. आप अंडर दीज टाइटल्स और वट एवर द टाइटल यू हैव आपने ये ड्यूटीज़ परफॉर्म की हैं आपने, राइट, और इनको आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना. जब आपने एक्सपीरियंस बनाना है तो कॉपी पेस्ट नहीं करना इनको आपने. तो दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि यू नीड अ सर्विस ऑफ एक्सपर्ट कंसल्टेंट. उसके बाद एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स आपकी ये हैं जो आपकी होनी चाहिए, आप इसको पढ़ सकते हैं, आप स्टॉप करके वीडियो को आप इसे पूरा कंप्लीट देख सकते हैं, आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है. अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सक्लूजन. इसमें ये वाले नॉक निकल चुके हैं, मतलब ये इसमें शामिल नहीं है. फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट नहीं है, अदर फाइनेंशियल एडवाइज़र ये नहीं है, इसमें ब्रोकर्स नहीं है इसके अंदर. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी. आपकी मेजर कैटेगरी में ये आ रहे हैं, सब मेजर कैटेगरी में ये आ रहे हैं, और माइनर कैटेगरी में ये आ रहे हैं, आप टीयर वन में आते हैं. तो एक्चुअली अगर आप फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं या फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं तो ऑब्वियसली आपका नॉक यहाँ बना हुआ है. बट अगेन फॉर एग्जाम्पल हम एक और देख लेते हैं. सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बहुत ज़्यादा हम लिखते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर सर्च करते हैं. इंटरनेट इज़ टेकिंग टाइम, इंटरनेट का बड़ा मसला है पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा. Still going on, you can see here. Okay. Finally. So software developer, you can see software developer then programmers. So आपका code है 21232. ये आपकी tier category है जिसमें आप call कर रहे हैं. अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो इसकी डिटेल देख सकते हैं. आप इसकी डिटेल में जाएंगे तो ये आपके पास टाइटल होने चाहिए, ये आपकी ड्यूटीज़ होनी चाहिए. आप टीयर वन की कैटेगरी में हैं, एक्सेस एंट्री में फाइल बना सकते हैं. आपकी एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स ये हैं, बैचलर डिग्री, अ बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इन अनदर डिसिप्लिन. सो ये एक्सक्लूजन्स हो चुकी हैं, इनको आप नहीं देखेंगे. आप सिर्फ अपनी ड्यूटीज़ और अपने ये टाइटल्स देखेंगे, इससे रेलिवेंट हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर डिज़ाइन राइट एंड टेस्ट कोड फॉर न्यू सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर टू इंश्योर एफिशिएंसी. दे क्रिएट द फाउंडेशंस फॉर ऑपरेटिव सिस्टम एंड रन डायग्नोस्टिक प्रोग्राम टू सर्टिफाई इफेक्टिवनेस सो ऑन. सो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड इट आउट. आप सिर्फ नॉक 2021 वर्जन जाके गूगल पे लिखेंगे तो आपको ये फाइंड आउट हो सकता है. अदरवाइज आपको आपकी लाइफ को इजी करने के लिए मैंने ये लिंक अपनी वीडियो में दे दिया है, आप वहाँ से जाके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ से अपना नॉक फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, अपना टीयर फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी इजी टू डू. यहाँ से आपको पता चलता है कि आप कौन से प्रोफेशन में फॉल कर रहे हैं. लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ वो मैं आपसे अभी लाइव डिस्कस करता हूँ. मैं अपनी स्क्रीन को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ. सो व्यूअर्स, आई टोटली अंडरस्टैंड इट वॉज अ बिट लेंथी डिस्कशन, लेकिन ऑब्वियसली आपको चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी और चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए टाइम लगता है.
थैंक यू फॉर योर पेशेंस फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो. अभी चूंकि मैंने आपको ये बताया कि आप अपने प्रोफेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपका नॉक कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन देर आर नंबर ऑफ प्रोफेशंस, ऑलमोस्ट ईच प्रोफेशन हैज़ अ नॉक, और आप वहाँ पे आपको अपना प्रोफेशन मिल जाएगा. दिस माइट मेक यू फील हैप्पी कि चलो ठीक है, हमारा प्रोफेशन है, अब तो हम जा सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. बहुत कम ऐसे प्रोफेशंस हैं जो जॉब इन डिमांड हैं, और अभी जो बिल C-19 आ रहा है इसके मुताबिक इन्होंने मज़ीद नैरो डाउन कर देना है चीज़ों को. कुछ लोगों के लिए बहुत लकी होने जा रहा है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा इसमें एडवांटेज कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते. आप अपनी प्रोफाइल के साथ हमसे रابطہ कर सकते हैं, मैं आपको उसकी असेसमेंट करके बता सकता हूँ, मेरी टीम है जो आपको असेसमेंट करके बता सकती है आप कौन कौन सी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं. राइट. अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद बताऊँगा कि आप किस प्रोफेशन इन डिमांड में वहाँ जा सकते हैं, आपका प्रोफेशन इन डिमांड है कि नहीं है. हम जो प्रोविंसेस हैं, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम जिसे कहते हैं, उन प्रोविंसेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें बताऊंगा कि उस प्रोविंस में, फॉर एग्जांपल सस्केचुअन में, अल्बर्टा में, मैनिटोबा में, न्यूफाउंडलैंड में, न्यू ब्रंसविक में, ओंटारियो में, कौन से प्रोफेशन इन डिमांड हैं और आप उस कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं. गो कि आपकी फाइल FSW में, एक्सप्रेस एंट्री में लो पॉइंट्स रखती है, लेकिन हो सकता है कि अगर आपकी आपको अल्बर्टा से स्केचोन या किसी भी और प्रोविंस से अगर आपको नॉमिनेशन हो जाती है तो यू गेट 600 मार्क्स. राइट. और वो बहुत डिसाइसिव मार्क्स हैं, आप नेक्स्ट राउंड में आप कनाडा मूव कर सकते हैं, आपको IT आ सकता है और उस पर आप फिर अपनी फाइल बिल्ड कर सकते हैं. राइट. और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टे इन ट्यून, दोस्तों से शेयर करें. वी आर गोना डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को समझ नहीं आती हैं, और डिफरेंट कंसल्टेंट्स डिफरेंट बातें करते हैं. ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो कंसल्टेंट, हम भी लोगों को गाइड कर रहे हैं, एंड वी आर ह्यूमन बींग्स, और हमसे भी एरर हो सकती है. बट मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी बात आपसे करूँ, मैं प्रॉपर रिसर्च के बाद आपके सामने आऊँ और आपसे फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ. सो अगर आप मज़ीद टेक्निकल चीज़ों को जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आप किस पाथवे के ज़रिए कनाडा मूव कर सकते हैं, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें. आई विल बी कमिंग अप मोर वीडियोज़. थैंक यू सो मच.